Dear students, myself Ashok Kumar Biswal, lecturer mechanical, GP Gajapati. Today my topic is impact of jets, part 4. So subject is fluid mechanics for your mechanical engineering students, 4th semester. So actually we have covered 3 classes in this topic, impact of jet. So almost all the contents of the topic as per ACTBT syllabus I have covered. So tame tadur kichi mone rakhicho ki nai kintu mu taku recall karuchi just a purbata impact of jet on chord vanes seithire ame derive karthile force on the chord van rho a b r 1 b w 1 plus or minus b w 2 force on the chord van, impact of jet on the chord van and work done per second rho a b r 1 into u. Work done per second for unit weight of water or n of water, newton of water equal to 1 by g bw 1 plus or minus bw 2 into u. Fourth one is efficiency of the system equal to work done br 1 divided by work done by the system and kinetic energy supplied by the jet, half rho a vr 1 v 1 mass of water supplied by the jet equal rho a v 1 absolute velocity of the jet and half mv square. So this is efficiency of the chord van. So eight got a thing some marker you are प्रोबली सल्व कर फोर्स कि वार्क डन केमी के प्लस सैन नौ के माइनस सैन नौ यहाँ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट प्लस सैन के नब ये मन रख भेरी इम्पोर्टाट यूज पॉजिटिव साइंस फॉर अल्फा टू इज लेस देन 90 डिग्री और वी आर टू कॉस बीटा टू इज ग्रेटर देन यू टू ये जिनस मन रख आ नेगेटिव साइन कौन नब फॉर अल्फा टू मोर देन 90 डिग्री और वी आर टू कॉस बीटा टू इज लेस देन यू टू. ए नोटिफिकेशन जगह मु कही थी आगुरु ए नोटिफिकेशन मु जा स्लाइड देखे टिके डिफर करछि तनो आज क्लास रे मु किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करबी तेणु ये फर्मुला जगह जस्ट रिकॉल कर फर्मुला नेक्स्ट क्लास पूर्व क्लास डिराइव करी. सो अल्फा टू इज अब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट एट आउटलेट आउ केते गुडे कंडीशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आउ गोटे केते गुडे कंडीशन मन रखा पड़ो से कंडीशन जाक वन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रोमिशन कॉर्ड वेन्स यू हैव टू अज्यूम वन बीटा वन इक्वल टू बीटा टू फॉर सिमेट्रिकल ब्लेड्स सिमेट्रिकल वेन्स और ब्लेड्स एंड वी आर वन इक्वल टू वी आर टू फॉर स्मूथ ब्लेड्स थर्ड वि आर टू सब स्मूथ ब्लेड स्टार्टिंग रे नुआ यूज हो मेसीन स्मूथ ब्लेड थी ग्राजुआल जो यूज हो जाए ब्लेड इरोडेड हो जाणु से रफ हो जाए. सो रफ ब्लेड पर कौन नब कंडीशन वि आर टू इक्वल टू के वि आर वन फॉर रफ ब्लेड्स रफ ब्लेड्स वे आर के इक्वल टू ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट
ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U अनलेस अंटिल गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन इन द क्वेश्चन और द फ्लो इज टैंजेंशियल और द फ्लो इज दिज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये तीन पॉइंट जब मन रखुच इंपैक्ट इंपैक्ट ऑफ जेट कॉर्ड भेन पर जेकोसी प्रोब्लम तुम सल्व कर गोटे प्रोब्लम केमी सल्व होता तर कॉर्ड भेन केमी तर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर इनलेट आउटलेट है भी तथा आज रिकॉल कर फॉर एनी प्रॉब्लम यू स्टार्ट सब दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कॉर्ड वेन क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कॉर्ड वेन दिस इज वेलोसिटी ऑफ द जेट इशूइंग फ्रॉम द नोजल दैट इज V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक्स एट पॉइंट एट इनलेट पॉइंट ऑफ द इनलेट टिप ऑफ द कॉर्ड वेन शॉकलेसली विदाउट शॉक एंड ग्लाइड इन इनर एरिया ऑफ द कॉर्ड वेन एंड लीव्स हियर विथ रिलेटिव वेलोसिटी VR2 एंड हियर द रिलेटिव वेलोसिटी इज VR1 दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एट इनलेट दिस इज जेट एंगल α1 You draw the perpendicular, name the triangle A, B, C, D. Like this, you draw the inlet velocity triangle A, B, C. This is the inlet velocity triangle. You draw the perpendicular on the line AB produced. So this is the inlet velocity triangle. So this is velocity of wheel at inlet. Velocity of wheel at inlet. This is velocity of flow at inlet. That means the horizontal component of V1, absolute velocity of the jet, equal to VW1. Vertical component is VW1. So by trigonometric relation you can solve numerical problems on chord vanes. Now you compute outlet velocity triangle. β2 α2 this is V2 VF2 गोटे कथा सफिक्स वन इज फॉर इनलेट सफिक्स वन फॉर इनलेट एंड सफिक्स टू फॉर आउटलेट गोटे डिफर मो स्लाइड जहाँ देखिए गोटे आंगेल क्या डिफर कर दिस इज अल्फा अल्फा फॉर एब्सोल्यूट एंगल ऑफ द जेट बीटा इज ब्लेड एंगल बीटा फॉर ब्लेड एंगल एट इनलेट बीटा टू ब्लेड एंगल एट आउटलेट स्लाइड जस्ट अलग देखाई तेनाली कन्फ्यूजन दिस इज दिज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस सो दिस इज वेलोसिटी ट्रायंगल ड्र करिवार टेक्निक टाइम जस्ट बताऊँगी किसी मेजरमेंट ना जस्ट एनालिटिकली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम दिस इज β1 β2 दिस इज ओरिजिनल एंगल ऑफ दिस इज वाटर द वाटर इज मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी इन 180 degrees सो द जेट इज रिफ्लेक्टेड व्हाइल इट इज स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट सी एट इनलेट सक्सेसली सो द जेट इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन व्हिच इज इक्वल टू 180 degrees माइनस β1 प्लस β2
the angle of deflection. Then we have given, you have derived the formula for force, Fx, I have already written. So, Fx and work done, efficiency, etc. Now, you solve the problem here. So, a jet of water having a velocity of 20 meter per second, jet of water having a velocity of 20 meter per second, that is, you write down the data given in the problem. Data given. V1 equal to 20 meter per second. Strikes a cord van which is moving with a velocity of 10 meter per second. U1 equal to 10 meter per second. The jet makes an angle of 20 degree. Alpha 1, as per my notation, alpha 1 equal to 20 degree. With the direction of motion of the van at inlet and leaves at an angle of 130 degree. So, leaves at outlet equal to 130 degree. That means alpha 2 equal to 180 minus 130 equal to 50 degree. So, these are the question, data given in the question. To calculate, to find V21, van angles, that means beta 1 and beta 2. And second, the second weight is work done per second or unit weight of water striking. Work done per second or unit weight or per Newton weight equal to 1 by G VW1 plus or minus VW2 into U. So, these things have to be found out. So, draw the velocity triangle as per the question. Write the value given in the question, alpha 1 equal 20 degree, V1 equal to 20 meter per second, U1 equal to 10, name the triangle. So, this is VR1. VF1. This angle is beta 1. Blade angle at inlet. So, draw the outer velocity triangle as per the question. VR2, this is beta 2. VR2, this is alpha 2, alpha 2 equal to 50 degree, 50 degree, VF2, name the triangle, EFGH, this is U2. VW. Now solve, now analysis at inlet velocity triangle to find beta 1. How to find beta 1? You see the value is 20, absolute velocity of Z is 20, blade velocity is 10, angle absolute Z angle is 20 degree. So you find VW1 here first. So, VW1 equal to 20, this is V1 is 20, this component AD equal to cos 20 degree. So, calculate the dhariba, koi thir next class re, toh TV re, calculate the dhariba shiwa, jadi calculate the dhariba maari ki dekha, nal mo jaha answer ashi, shay dekhi, cross check kariwa. VF1 equal to 20
साइन 20 डिग्री जस्ट वैल्यू जगह साइड देखुची सो वी डबल वन इक्वल टू 18 पॉइंट कैलकुलेटर चेक कर पारी तुम्हें आंसर ठीक अच्छे ना 794 एंड दिस इज इक्वल 20 साइन 20 डिग्री इक्वल टू ये वैल्यू एटा कैलकुलेट है नहीं किंतु सेटा टैन रिलेशन में पाउछ कैलकुलेटर चेक करियो आंसर ठीक अच्छे ना 6.84 टैन टैन थीटा इक्वल टू 6 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा से रिलेशन में पाउछ सो ए दिटा मिलला वी डबल वन वी एफ वन सो राइट एंगल ट्राइंगल सो एथरो बीटा रिलेशन मिल जीवो बीटा वन मिल जीवो एंगल सो टैन बीटा वन इक्वल टू वी एफ वन डिवाइड बाय बी डी और वी डबल वन माइनस यू वन सो यहाँ कैलकुलेट हो देख ये रिलेशन ने बीटा वन साइन थीटा थीटा इक्वल टू 37.873875 सो बीटा वन ए रिलेशन मिलूँ ये वैल्यू जाक पुट कला 37.875 डिग्री ये आंसर मिलला चेक कर ठीक अच्छे ना नेक्स्ट भि आर ओन का दरकार भि आर ओन के कमी बाहर एक स्क्वयर कर राइट एंगल ट्राइंगल बी डी स्क्वायर प्लस भि एफ स्क्वायर रूट ओवर इक्वल भि आर ओन ए रिलेसन मिल साइन रिलेसन भी पाइपर सो साइन बीटा वन इक्वल टू भि एफ वन डिवाइड बाय भि आर ओन सो ए रिलेसन रु बीटार आंसर बाहर पड़ा बीटा वन आंसर बाहर पड़ी सो से रिलेसन रु भि आर ओन चेक करके भि आर ओन इक्वल टू 11.14 मीटर पर सेकेंड सो ये जगह मिलला तापर कौन ये सब कैलकुलेशन सरीगला इनलेट वेलोसिटी रे हम कैलकुलेशन जहाँ करा कथा कर देले सो नेक्स्ट आम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आम रिलेशन बाहर करिया कौन ना भि डब्ल्यू टू केते वर्क कैलकुलेशन करिया बीटा टू केते बाहर करिया सो ये जगह कैलकुलेशन करिया पाई आम अज्यूम करिया यू वन इक्वल टू यू टू जस्ट कहिसि कंडीशन इक्वल टू केते दिया है ना यू वन इक्वल 10 सो ये जी आम यू वन इक्वल यू टू ना आम कोडा सल्व करना सो इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ कौन ना ना भि आर ओन इक्वल टू भि आर टू इक्वल टू के भि आर ओन इक्वल टू भि आर टू इक्वल 11.14 सो यहाँ बाहर यहाँ बाहर एवं बीटा रिलेसन केमी साइन रिलेसन ना अप्लाय साइन रूल ये ट्राइंगल इ एफ जी ट्राइंगल अप्लाय साइन रूल सो 10 यू टू यू टू इक्वल टू 10 वैल्यू जगह लिखीदे पार क्वेश्चन ने सो 10 डिवाइड बाय दिस एंगल इक्वल टू कते हबो ना इंटीरियर दि टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू समेशन ऑफ दि टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल 50 डिग्री और 50 माइनस दिस बीटा टू सो साइन ऑफ 50 माइनस बीटा टू इक्वल टू भि आर टू इक्वल टू 11.14 डिवाइड बाय दिस एंगल इक्वल टू साइन 180 माइनस 50 साइन 180 माइनस 50 इक्वल टू साइन 50 डिग्री सो भि बीटा टू या सल्व कला बीटा टू के मिल जाव बीटा टू इक्वल टू 6.56 डिग्री सो बता सब मिलला बर्तमान भि डब्ल्यू टू कैलकुलेसन कर भि डब्ल्यू टू इक्वल टू एक देख भि डब्ल्यू टू इक्वल टू भि आर टू माइनस भि आर टू कॉस बीटा टू माइनस यू टू इक्वल टू भि डब्ल्यू टू भि आर टू भि डब्ल्यू टू इक्वल टू भि आर टू कॉस बीटा टू माइनस यू टू इक्वल टू जस्ट कैलकुलेशन होती देख भि डब्ल्यू टू लास्ट कैलकुलेशन भि डब्ल्यू टू इक्वल टू 1.067 तुम कैलकुलेशन कर देख 1.067
मीटर पर सेकेंड। सो बर्तमान सब जगह भालू मिलला बर्तमान आम वार पाई एवं बीटा वन बीटा टू ऑलरेडी पाई सारे। सो बीटा वन आंसर बाहर बीटा वन इक्वल 37 जहाँ मगा होता 37.875। बीटा टू इक्वल टू बीटा टू तुम्हें बीटा वन टा पाई एवं वार्क कलेक्शन करिया वार्क कैसे अच्छी बीटा टू अलरेडी कैलकुलेशन कर दस लिभे के सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स डिग्री एंड वार्क इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड पर न्यूटन ऑफ वाटर वाटर इक्वल टू 1/g VW1 प्लस और माइनस VW2 इंटू यू। सो ये प्लस साइन नवा कि माइनस साइन नवा जस्ट कही कौट प्लस साइन नब कौट माइनस साइन नब ये कौन कौ साइन नवा ये फिगर रे। सो अल्फा टू इज लेस दैन 90 डिग्री एक्यूट एंगल सो यू टेक् प्लस साइन बिकज दि वर्क इज इन डिरेक्शन VW2 इज इन डिरेक्शन इन दिस डिरेक्शन VW2 और V2 cos अल्फा 2 इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो दिस इज अपोजिट टू दिस डिरेक्शन डिरेक्शन ऑफ दि VW1 सो टेक् प्लस साइन। सो 1/g VW1 VW1 वैल्यू ऑफ VW1 इक्वल टू VW1 वैल्यू 18.794 प्लस 1.0677 इंटू यू इक्वल टू 10 यू फाइंड दि वर्क। सो जी वैल्यू वैल्यू ऑफ जी इक्वल 9.81 सो फाइंड दि वैल्यू ऑफ वर्क इक्वल 20.24 न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर पर न्यूटन ऑफ वाटर पर न्यूटन ऑफ वाटर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो दिस इज दि आंसर। सो ट्रिक कौन ये प्लस माइनस साइन केमी कैलकुलेशन करवा सीटा ही देख प्लस माइनस साइन। सो ये प्लस नी कहीं ये अल्फा टू इज लेस दैन कही आगुरी। सो प्लस साइन ने जेहेतु 90 डिग्री कम थी अल्फा टू सो जेट एंगल आट आउटलेट इज लेस दैन 90 एक्ट एंगेल जब अधिक हे सो भेन डायग्रामा एपट हे से ये टाइप फिगर जो ड्र कर यूज पेनसिल एंड रबर। सो दि भेन विल बी लेस दैन 90 डिग्री इट विल बेंड टू राइट टू लेफ्ट 90 डिग्री इफ अल्फा टू 90 डिग्री इट विल बी स्ट्रेट इफ दि मोर देन 90 डिग्री इट विल बी लाइक दिस। सो दि भेन डायग्राम आट आउटलेट विल चेंज सो यूज पेनसिल एंड रबर। आर किसी प्रोब्लम अच्छी तेणु नेक्स्ट क्लास रे आर किसी प्रोब्लम सॉल्व करने चेष्टा करी तुम्हें भी घरे देख टेक्स्ट बुक जेको टेक्स्ट बुक जहाँ मुझे बताइए से दैट इज एनफ। सो थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक और सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू टेक माय हेल्प और आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर 7978500695। थैंक यू। झीटे तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथाटी से आगक गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे ना तो बदली गला समय बदली गला जुग से झील मान आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी ITI मध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम
एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफल मु कुशल मु सुदक्षा आमे सुदक्षा।